दर्शकों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, बीत जाएगा। भगवत गीता के उपदेश के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, जिससे हम कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना फल की चिंता किए। यह जीवन का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। यह न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन जीने की कला का भी पाठ है। इस ग्रंथ को पढ़ने और समझने से जीवन में शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। गीता उपदेश के बाद भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप का भी दर्शन करवाया था, जिसके बाद कौरव और पांडवों के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें पांडवों को जीत हासिल हुई, जिसके बाद अखंड भारत का निर्माण हुआ था। तो चलिए, आज के वीडियो में हम आपको भगवत गीता से जुड़े कुछ उपदेश बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप भी चिंता से, दुख से, परेशानी से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सही और गलत की पहचान के लिए इंसान को कष्ट उठाना पड़ता है। भगवत गीता उपदेशों के अनुसार जीवन में कष्ट और दुख का अनुभव शिक्षा का हिस्सा है। यह कष्ट हमें सही और गलत की पहचान करने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। भगवत गीता के अनुसार ये अनुभव हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हमारे वर्तमान जीवन की स्थिति हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। इसलिए कष्ट और सुख दोनों ही हमारे अपने कर्मों के परिणाम हैं। अज्ञानता के कारण मनुष्य सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता है। यह अज्ञानता ही जीवन में कष्ट का कारण बनती है। ज्ञान प्राप्ति से अज्ञानता का नाश होता है, जिससे कष्ट समाप्त होते हैं। व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है और ईश्वर की प्राप्ति करता है। यह कष्टों से मुक्ति का मार्ग है। बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना, ऐसा करने से व्यक्ति को कष्ट नहीं होता और वह मानसिक शांति प्राप्त करता है। कष्ट हमें यह सिखाते हैं कि असली सुख बाहरी वस्तुओं और स्थितियों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मा की शांति में है। कष्ट सहने से व्यक्ति में धैर्य और सहनशीलता का विकास होता है, जो आत्मविकास के लिए आवश्यक है। कष्ट के समय व्यक्ति अपने जीवन, कर्म और उद्देश्यों पर विचार करता है। इसलिए गीता उपदेश के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, जिससे हम कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। महाभारत एक धर्मयुद्ध ही नहीं, कर्तव्य गाथा भी है। इसमें भगवत गीता का ज्ञान मोह एवं अज्ञान से ग्रस्त मानव को जीवन में कर्तव्य की सर्वोच्चता का बोध करवाता है। समाज एवं देश की उन्नति के लिए सभी को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष माह की शुक्ल एकादशी को महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे और श्री कृष्ण से कहा था कि प्रभु, मेरे सामने सभी भाई बंधु गुरु आदि खड़े हैं और मैं इन पर वार नहीं कर सकता, मैं युद्ध से हट रहा हूँ। अर्जुन के इस तरह कर्म से विमुख होकर मोह में बंधने को श्री कृष्ण ने अनुचित ठहराया। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, वह सत्य को जान जाएं। इस अभिप्राय से श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ उपदेश दिया था। यही उपदेश भगवत गीता है। दर्शकों, भगवत गीता के जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य महान है, अमर है, असीम शक्ति का भंडार है। गीता को संजीवनी विद्या की संज्ञा भी दी गई है।
मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसी का बोध कराना गीता का परम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश के बाद ही अर्जुन अपना कर्तव्य पहचान पाए थे। फलस्वरूप उन्होंने युद्ध किया, सत्य की असत्य पर जीत हुई और कर्म की विजय हुई। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला था। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। गीता में ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य की सभी जिज्ञासाओं का समाधान होता है, इसीलिए भगवत गीता को सर्वशास्त्रमयी भी कहा गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन ही नहीं मनुष्य मात्र को यह उपदेश दिया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल की इच्छा रखते हुए भी कोई काम मत करो। जब इच्छित फल की हमें प्राप्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है। सुखी रहना है तो सिर्फ कर्म करो और वह भी निष्काम भाव से। श्री कृष्ण का उपदेश सुन जिस प्रकार अर्जुन का मोह भंग हो गया था और उन्हें पाप और पुण्य का ज्ञान हो गया था, दर्शकों ठीक उसी प्रकार आज भी भगवत गीता का पाठ मन लगाकर करने से मनुष्य तर जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हैं दो उपाय। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काव काव की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव काव करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटे लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते, यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें।
जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया। आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। दर्शकों, याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसे जीवन का असली सूत्र कहा जाता है। कृष्ण ने अपने इन उपदेश से जीवन के गूढ़ रहस्य को समझाया है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन जो उपदेश दिए उसका उल्लेख गीता में मिलता है। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, समय बड़ा बलवान है। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए, जिसके बाद अर्जुन ने युद्ध शुरू की और कौरवों को पराजित कर दिया। महाभारत के युद्ध को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उसे जीवन का असली सूत्र माना गया है। गीता में इन्हीं उपदेशों के माध्यम से व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हल ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण ने समय सबसे बलवान है, कर्म ही पूजा है, जैसे कई उपदेश दिए, जिसका विवरण गीता में मिलता है। महाभारत के दौरान अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए इन उपदेशों को जीवन का असली सूत्र कहा गया है। कर्म ही पूजा है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। मृत्यु से भय व्यर्थ है, मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। समय बड़ा बलवान है। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का सहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका सहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, बीत जाएगा। फल की इच्छा किए बिना करें कर्म, दुख सुख के बंधन से मिलेगी मुक्ति। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे महाभारत के युद्ध पर पार्थ के लिए विजय प्राप्त करनी आसान हो गई। उन्हीं में से एक गीता का उपदेश नीचे दिया गया है, जिसे व्यक्ति यदि जिंदगी में शामिल कर ले तो अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं, इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत कर और कर्म से विमुख मत हो।
हम कोई काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम खुश होते हैं, इससे अहंकार बढ़ जाता है, लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल न मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि अगर कोई भी काम करने से पहले विवेक का उपयोग करके हम यह जान ले कि ऐसा करना सही है या नहीं तो शंकाएं मिट जाती हैं। अगर वह काम सही है तो उसे नतीजे की फिक्र किए बिना पूरा मन लगाकर और उत्साह से करें। ऐसा भी नहीं कि तुम काम ही न करो और आलसी होकर बेकार बैठ जा, क्योंकि काम करके फल की इच्छा और बिना कुछ किए ही फल के बारे में सोचते रहना दोनों ही बुरे नतीजे देने वाला है। इसलिए फल की इच्छा के बिना काम करते रहो, क्योंकि इससे ही दुख सुख के बंधन से मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध का त्याग कर दें। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से भी बढ़कर है मृत्यु का भय। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? कोई भी अमरजड़ी खाकर पैदा नहीं हुआ है, कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। मृत्यु का भय मत पालो, मरना तो सभी को एक न एक दिन है, जो बना है वह फना है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर अमर है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग यह मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है आत्मा नहीं, मेरे अपने जो मर गए असल में वे मरे नहीं हैं, उन्होंने तो देह छोड़ी है, वे कहीं और जन्म लेंगे, ऐसे लोग ही सच्चा मार्ग ढूंढ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई हमारा अपना नहीं है। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं, आज जिसे तू अपना समझ रहा है वे पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं उन सभी जन्मों के बारे जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मवान बनो आस्थावान नहीं, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नरक का द्वार काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यर्थ की चिंता छोड़ वर्तमान में जियो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि लगाव की दुख का कारण है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो?
तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख खोन का कारण है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि विश्वास मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। महाभारत के मुताबिक श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्मयुद्ध महाभारत में अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे उस युद्ध को जीतना अर्जुन के लिए आसान हो गया था। गीता के उपदेशों को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहते हैं। वहीं अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाए तो मूर्ख व्यक्ति के जीवन का भी बेड़ा पार हो सकता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता या फिर विपत्ति के समय हमें बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए यह उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटकियों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाए थे, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और यह उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन में सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र भी है। मानव शरीर अस्थायी और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आरक्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु।
गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के धारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है, अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए, गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे, और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है, अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। मनुष्य को देखने का नजरिया। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।